teaching you standard 4 maths chapter 2 love and shock. तो ये जो चैप्टर है उसके हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने अकबर और बीरबल की स्टोरी के बारे में देखा था और फिर उसी पेज में हमने हाफ डबल कैसे करना है वो देखा था. और उसके बाद वाले सेकंड नंबर के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, ओके, वो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं. चलो ऐसा ही दूसरा एक वीडियो आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ. ये है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2. यहाँ पे ये जो पार्ट है उसने इंडियन रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं, हाई जंप और लो जंप. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे ये है स्पोर्ट्स, मतलब वुमेन और मैन के बीच में जो स्पोर्ट्स होती है उसके बारे में है और इसने इतना रिकॉर्ड बनाया है उसके बारे में. यहाँ पे है वर्ल्ड रिकॉर्ड और यहाँ पे है इंडियन रिकॉर्ड. पहले हाई जंप फॉर मैन एंड लॉन्ग जंप फॉर मैन. फिर हाई जंप फॉर मैन और लॉन्ग जंप फॉर. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाई जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड में जेडियन डेस है उसने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर की रेस लगाई है, मीन्स उसकी ऐसी जंपिंग है. चंद्रपाल इंडियन में है तो उसने बनाया है 3 मीटर 17 सेंटीमीटर. चलो नेक्स्ट है लॉन्ग जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाइट, उसने 6 मीटर 95 सेंटीमीटर की रेस मतलब जंप किया है. अमृत पाल है उसने किया है 8 मीटर 1 सेंटीमीटर का जंप मतलब लॉन्ग जंप. अभी वुमेन में है स्टेफ कारी, उसने 2 मीटर 9 सेंटीमीटर का जंप किया है, सॉरी ओके. और वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जीते उसने 1 मीटर और 9 मीटर हाई जंप इंडियन रिकॉर्ड में बनाया. अभी लॉन्ग जंप के वुमेन में है वर्ल्ड रिकॉर्ड में गेलिना सी, उसने 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड में. और इंडियन में है अंजू जी, उसने 6 मीटर 83 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड बनाया है. तो ये है यहाँ पे मैन हाई जंप, लॉन्ग जंप, वुमेन हाई जंप एंड लॉन्ग जंप. और यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है मैन और वुमेन के हाई जंप लॉन्ग जंप के और यहाँ पे इंडियन रिकॉर्ड्स. तो इसमें यहाँ पे नीचे हमें फाइंड आउट फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, टेबल में से फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स
भी आता है और उसको अगर वर्ल्ड कप मेन के हाई जंप के रिकॉर्डर के हिसाब से इक्वल करना है तो वो क्या करेगा, मतलब वो कितने मीटर सेंटीमीटर हाई जंप करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो मीटर पर सेंटीमीटर, मतलब पहले देखेंगे कि चंद्रपाल ने कितने मीटर किया है 2 मीटर और उसका सेंटीमीटर है 70, तो हम क्या करेंगे अगर हम माइनस करेंगे तो हमें ये इंडियन रिकॉर्ड में से वर्ल्ड रिकॉर्ड तक हम पहुंच सकते हैं। तो अभी जेवियर ने कितने बनाए हैं 2 मीटर और नियर बाय वेरी नाइस लॉन्ग जंप इज नियरली
the difference between the longest jump and the highest jump. तो हमें क्या करना है अभी जुम्मन का दोनों रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड इसमें देखना है सॉरी जुम्मन का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है और उसमें लॉन्गेस्ट जंप एंड हाई जंप देखना है लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट हाई जंप डिफरेंस ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ओके तो यहां पे हमें क्या करना है देखना है कि वुमेन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप का डिस्टेंस मतलब स्टेफका के और मेरीना स्टेफका के ने कितना लगाया है स्टेफका के उसने 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर का जंप लगाया है और मेरीना ने लगाया है 7 मीटर तो हम क्या करेंगे वही जैसे छोटा माइनस मतलब यहाँ पे मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और 2 मीटर 9 सेंटीमीटर ओके तो आपको पता ही है कि 2 में से 9 तो जाएगा लेकिन यहाँ पे दोनों का पेपर लिखेंगे 12 में से 9 निकालेंगे आएगा 3 और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर 0 लगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 क्योंकि यहाँ पे हमने बोरो किया था कि बोरो करना पड़ेगा मतलब 4 अभी 7 में से 2 निकालो तो आएगा 5 ओके तो ये आ गया 5 मीटर आंसर क्या आया 5 मीटर 43 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आया अभी नेक्स्ट है इफ माय पी हु जंप 10 सेंटीमीटर लॉन्गर His jump would be fall full 9 meter. Mike P है. अगर उसको 9 meter का jump लगाना है, तो उसको कितना और ज़्यादा jump लगाना पड़ेगा? तो देखते हैं हम. ये Mike P. ये हमारा है Mike को Mike P. उसने बनाया है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर उसको 9 मीटर पूरा लॉन्ग जंप लगाना है तो वो क्या करेगा मतलब हम क्या करेंगे देखो 1 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर सॉरी 100 सेंटीमीटर ओके तो अभी हम क्या करेंगे 100 में से 95 माइनस कर दो तो 10 में से 5 निकाल 5 9 0 यहां पे 0 0 तो आंसर पे आया 5 सेंटीमीटर तो अगर माइक पी को 9 मीटर का जंप लगाना है और ज्यादा उसे 5 सेंटीमीटर का जंप लगाना पड़ेगा तो वो 9 सेंटीमीटर फुली उसका जंप हो जाएगा अभी लास्ट है हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर अभी ये मैंने जो रिकॉर्ड्स लिखे हैं उसमें से हाई जंप में 2.5 मीटर के नजदीक कौन सा जंप 2.5 मीटर बताओ मुझे 2.5 मीटर में कौन है हाई जंप में देखो ये जेवियर एस चंद्रपाल चक्का होली तो कौन है ये जेवियर कैसे पता चला क्योंकि ये नियरली 50 के आगे है मींस 45 ये 17 है वो भी वन ऑफ द मोस्ट का 91 कौन सकता है 91 कौन सकता है 91 तो ज्यादा हो जाएगा मतलब ये आया जेवियर एस मतलब जेवियर एस को वो 2.5 मीटर के बहुत ही ज्यादा नजदीक है सो आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंड
Thank you.